कानपुर एक महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियल एरिया पूरे स्टेट का। पिछले दिनों जिस समय एक इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाते से यूपी में एक परसेप्शन चेंज हो रहा था, मैंने कानपुर में जिस समय मैं रोड शो करने आया था 8 फरवरी को, उस दिन मैंने कहा था कि इन्वेस्टर समिट के बाद कानपुर महानगर में एक हम इंडस्ट्रीज के साथ बैठक करेंगे। उसी के क्रम में आज ये बैठक जो इंडस्ट्री से संबंधित समस्याएं उससे संबंधित बहुत सारे इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस के द्वारा सुझाव आए हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित हैं, जो कुछ पॉलिसी से संबंधित हैं, वो सारे सुझावों को नोट किया। इस बैठक के सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे सबसे विभाग के सबसे वरिष्ठ अधिकारियों में से IDCC श्री अरूप पांडे जी भी उपस्थित हैं, कमिश्नर साहब और सारे लोग उपस्थित हैं। उनके उन समस्याओं को हमने नोट किया और उसका संज्ञान लेकर उनका समस्या का निराकरण करेंगे। एक बात और संतोष की लगी कि यहाँ पर इंडस्ट्रीज ने कहा कि जिनकी पहले कभी नहीं सुनी जाती थी, अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार उनकी सुनने को तैयार है। जिन समस्याओं के बारे में कभी वो उम्मीद नहीं करते थे कि समाधान होगा, अब उनको उम्मीद लगी कि उन समस्याओं का समाधान है। क्योंकि बरसों से एक बुजुर्ग आए थे, उनके 22 साल पहले से कोई प्रकरण लंबित है। अगर 22 साल 23 साल से प्रकरण लंबित है तो उसका साल भर के अंतर्गत अगर हमारे संज्ञान में आता तो कोई ना कोई निस्तारण कर सकते थे। आज वो जानकारी में आया तो उसका भी निस्तारण करेंगे। कानपुर का इंडस्ट्रियलाइजेशन फिर एक बार पुनः बढ़े आगे, कानपुर अपनी खोई हुई पहचान इंडस्ट्री के नाते से बना सके, इस निमित्त इस बैठक को भी किया गया और इस निमित्त प्रदेश सरकार की चिंता भी। नहीं नहीं, कोई व्यक्ति जिसने अगर पहले सोच के MOU किया गया कि उसको पास मिल जाएगा इन्वेस्टर समिट में जाने के लिए, उसके लिए अगर उसने किया होगा तो ये उसकी सोच है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई एक व्यक्ति, अगर हमने 1100 अगर MOU साइन किए हैं, उसमें से अगर किस व्यक्ति ने आपको कहा उसके बारे में मुझे जानकारी भी नहीं है, अभी तो एक महीना भी नहीं हुआ और हमारे विभाग के द्वारा जिन लोगों ने MOU साइन किए हुए थे उनसे बहुत सारी जानकारियाँ मांगी हैं। अगर वो जानकारियाँ देने की स्थिति में नहीं है इसलिए वो निरस्त कर रहे होंगे, और उसके बारे में अगर को आप नाम बताएंगे या पर्टिकुलरली बताएंगे तो हमारा IDC साहब उसके बारे में उस जानकारी देंगे। देखिए, इसमें जितने इन्वेस्टर समिट में भी उसकी ग्राउंडिंग की कार्रवाई चालू हो गई है और मुझे लगता है कि 4.25 लाख करोड़ के जो MOUs थे उसमें निश्चित रूप से ग्राउंडिंग के लिए पहले सप्ताह में अप्रैल के वो एक हम ग्राउंडिंग सेरेमनी करेंगे और 30-35 हज़ार करोड़ के MOUs निश्चित रूप से हम उस दिन ग्राउंड करा देंगे और 6 महीने के अंदर सारे MOUs ग्राउंड करा देंगे। तो जो पॉइंट आप कह रहे हैं, जितना कभी पहले होता ही नहीं था, पिछली बार मुझे लगता है कि कुल मिलाकर 10-15 हज़ार करोड़ के MOUs हुए होंगे, अब की 35 हज़ार के आपको 15 दिन 1 महीने के अंदर ग्राउंड करा कर हम बता देंगे और उसके अलावा धीरे धीरे ये 6 महीने के अंदर सभी MOUs ग्राउंड हो जाएंगे। जो पॉइंट आप कह रहे हैं कि विड्रॉल का, विड्रॉल नहीं है, वो बढ़ रहे हैं। MOUs 428 थे, आज की तारीख में मेरे पास 470 हो गए और नियमित रूप से बढ़ रहे हैं MOUs। अभी जो बात हुई है, इसके अभी जो सुझाव हुए हैं उसमें मैंने जिलाधिकारी कानपुर से ये अपेक्षा करी है कि 10 दिन के अंतर्गत उन लोगों को पूरे देख लें, उसकी जांच पड़ताल करें। क्योंकि जो भी जैसे किसी की समस्या होती है, तो किसी प्लॉट से संबंधित समस्या है, उसको अगर ब्याज देना बनता है कि नहीं बनता इस बात को देख लें। इस बात की अगर कोई समस्या है कि मेरे को ब्याज नहीं देना, अगर उसका नहीं बनता है तो उसको नहीं दिया जाए, अगर बनता है तो उसको देना पड़ेगा। इसीलिए जब तक इंडिविजुअल केसेस में उसको पर्टिकुलरली संबंधित विभाग देख नहीं ले तब तक उसके बारे में कमेंट करना उचित नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग हैं, मैं मान कर चलता हूँ कि उनकी जो बातें हैं सही होंगी, आई बिलीव ऑन दोज पीपल, लेकिन फिर भी उसका जो गवर्नमेंट प्रोसीजर है, अगर किसी ने कहा कि हमारा ब्याज माफ़ कर दो, तो ये बैठक में बिना कागज़ देखे हो, बिना फाइल दिए हुए किसी का ब्याज माफ़ करने का अधिकार भी नहीं है। तो उससे संबंधित जो इश्यूज़ होंगे फिर 10 दिनों के बाद वो उसको मॉनिटर करेंगे। और अब ये वाला प्रक्रिया इंडस्ट्री से संबंधित, जो उद्योग बंधु से संबंधित इश्यूज़ होते हैं, ये अब निरंतर जारी रहे। कोई जानकारी देंगे तो जो संबंधित विभाग से पूछेंगे इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। अब जिसने जिसका कोई सामान चोरी हो गया वो भी अगर इन्वेस्टर समिट से जुड़ जाएगा तो कठिनाई हो जाएगी।